Good morning everyone. Today we will learn how to start speaking English. As you know, you have taken admission at the language lab. Here we have 2 hour of session. 1 ghanta jo hum log karte hain, that is for grammar. Where we teach you applied grammar. Ki aap grammar ko kaise istemal mein lo. Lekin only to know grammar will not enable you to speak English. तो यदि आपको अंग्रेजी बोलना है तो you have to do the practice of it. You know, ज्यादातर बच्चे English क्यों नहीं बोल पाते हैं? What is the real challenge with them? The real challenge with them is they never practice grammar. They never practice English. They never speak English. The reason वो कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते हैं. Just think about when you started speaking Hindi in your childhood days, अपने बचपन में क्या आपको कोई भी ग्रामर पता था? आपने तो ग्रामर का नाम भी नहीं सुना था. इवन दो यू स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, आज जो अनपढ़ लोग हैं वो भी तो हिंदी बोलते हैं ना. दे डोंट नो ग्रामर. आप मैथिली, मगही, भोजपुरी कोई भी भाषा बोलते हो, डू यू नो एनी ग्रामर ऑफ दिस? यू डोंट नो एनी ग्रामर ऑफ दिस, बट स्टिल यू स्पीक दिस लैंग्वेज. सो थिंग इज दैट यू नीड टू थिंक कि ये भाषा बिना किसी थ्योरेटिकल नॉलेज के हम कैसे बोल रहे हैं. तो द थिंग इज यू हैड डन प्रैक्टिस ऑफ दिस लैंग्वेज. आपने इस भाषा को बोली, अब आपको बाइक चलाना सीखना है. तो ये पॉसिबल है क्या कि आप उसकी कोई बुक पढ़ लो एंड वीडियोस देख लो, किसी को चलाते हुए देख लो एंड यू स्टार्टेड राइडिंग बाइक? इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ही अंग्रेजी पढ़ के, वोकैबुलरी याद करके, ग्रामर की रट्टा लगा के यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश. तो जब आपको अंग्रेजी बोलना है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करनी होगी. नाउ आप में से ज्यादातर बच्चे क्या चाहते हैं कि मैं सीख जाऊंगा फिर अच्छे से अंग्रेजी बोलने लग जाऊंगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. ये संभव ही नहीं है. आपको अंग्रेजी बोलनी है तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे इसे फॉलो करना है, कैसे इसे करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, और उसके लिए आप अपनी शुरुआत कैसे करोगे? टू स्पीक इंग्लिश क्या करना होगा आपको? पहला, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. नाउ द क्वेश्चन इज कि यदि मुझे अंग्रेजी पता ही नहीं है तो हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, है ना? एब्सोल्यूट सा क्वेश्चन है. लेकिन जब आपको हिंदी भी नहीं पता था तो आपने तो बोली थी ना. कैसे बोली थी? सुन के, बोल के. तो द सेकेंड थिंग इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सुनना है और बोलना है. You have to listen English, you have to speak English. जितना ज्यादा आप English सुनोगे उतना ज्यादा आप बोलोगे. And third is start speaking with small sentences. एकदम से इजी टॉपिक के ऊपर मैं बोलना शुरू करूं, बिल्कुल ही स्मॉल सेंटेंसेस बना के. डोंट थिंक कि मुझे अचानक से शुरुआत करना है एंड आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन कास्टिज्म प्रॉब्लम इन इंडिया, स्टार्ट स्पीकिंग ऑन कैशलेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया. डोंट थिंक दैट. यू शुड स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक. जस्ट लाइक यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग 10 लाइन अबाउट योर सेल्फ. आप कैसे करो, जब आप शुरुआत कर रहे हो ना तो एकदम छोटी छोटी चीजों के साथ शुरुआत करो. स्टार्ट
और स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, अब अपने बारे में आप क्या बोलोगे, यू जस्ट स्पीक योर नेम, योर इंट्रोडक्शन, एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन यू स्टार्ट स्पीकिंग योर 10 लाइक्स एंड 10 डिसलाइक्स. वॉट जस्ट लाइक आई लाइक मैंगो, आई लाइक एप्पल, आई लाइक रेनी सीजन, आई लाइक टू ईट बिरयानी, आई लाइक टू ईट नॉन वेज. आप अपनी डोंट लाइक बोलो, वॉट यू डोंट लाइक. आई डोंट लाइक टू ईट बिरयानी, आई डोंट लाइक टू प्ले कार्ड, आई डोंट लाइक करप्ट पॉलिटिशियन, आई डोंट लाइक. यदि आप कोई फ्रूट नहीं पसंद करते हो तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, आई डोंट लाइक गोवा, आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई, यू कैन से स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड इन नाइट, आई डोंट लाइक प्लेइंग वीडियो गेम. तो इस तरह की चीजें जो आप नहीं पसंद करते हो वो बोलो. इन दिस वे 10 सेंटेंसेज यू शुड स्पीक. और जब आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेंटेंसेस बोलना शुरू करोगे ना, दैट विल इनेबल यू टू स्पीक. सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट 10 लाइक्स एंड 10 डिसलाइक्स, कि उसको कैसे फॉलो करेंगे, हाउ वी विल डू. ग्रेजुअली वी विल हैव द स्मॉल टॉपिक, विल हैव द कंटेंट, मैं दूंगी कंटेंट कि क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे कवर करना है, एंड ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. बिकॉज यदि आपको अंग्रेजी बोलना है ना, तो ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ. और उसे करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे. तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू नीड टू बी रेडी टू स्पीक इंग्लिश. आपको रेडी रहना होगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल नोटिस अ डे आफ्टर 15 days, 20 days, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू स्पीक. और फिर आप 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाओगे. बट यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू नीड टू स्पीक इट. जब तक आप बोलोगे नहीं, चीजें सॉल्व नहीं होगी. थैंक यू.